सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए, क्लास स्टार्ट होने जा रही है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आयुष यादव गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोगों को बता देते हैं, हमारा आईईआरटी और पॉलिटेक्निक के लिए एक नया यूट्यूब चैनल बनाया गया है जिसका नाम है यूनिटेक गुरु। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल इंडिया पॉलिटेक्निक की जितनी भी परीक्षाएं हैं सबकी तैयारी इस पर फ्री में कराई जाएगी, ठीक है। आयुष यादव अच्छे हैं बेटा, आप बताइए कैसे हैं। राजश्री गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। जुनैद आलम गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो हमारा एक आईआरटी पॉलिटेक्निक के लिए नया चैनल है जिसका नाम है यूनिटेक गुरु। इसको आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऑल इंडिया पॉलिटेक्निक की जो तैयारी है कंप्लीट यहां कराई जाएगी, ठीक है। एक और बात है आप लोगों का, दूसरा बात, जो बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम है, बिहार पॉलिटेक्निक जो आप लोगों का बिहार पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम है आप लोगों का, इसकी जो डेट दी गई है वो है आपका 25 सितंबर, ठीक है। और आज हो गया आप लोगों का 20 सितंबर, यानी कि आप लोगों के पास टोटल 4 दिन और बचे हैं। ये लास्ट आपका मोमेंटम है, आखिरी समय है, अंतिम लड़ाई है। इसी लड़ाई में किसी को जीत मिलेगी तो किसी को हार मिलेगी, लेकिन जो मेहनत करता है उसको कभी हार नहीं मिलती है। जो मेहनत करता है उसको सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत इज इक्वल टू सफलता, मेहनत इज इक्वल टू सफलता। जितने भी बच्चे यहाँ भी ऑनलाइन क्लास किए हैं, और उनसे एक और बात कहना चाहूँगा, जितने भी पुराने वीडियोज हैं उसको आप एक बार रिवाइज कर जाइए दोबारा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है आपकी, ये क्वेश्चन सीरीज, ये आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ये आपके जरूर रिपीट होंगे। यहाँ से कुछ ना कुछ आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, और जो प्रश्नों का पैटर्न होता है बिल्कुल सेम मिलेगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक में कंपटीशन में आपका पैटर्न रिपीट किया जाता है, ठीक है। बीसीए का क्लास कितने बजे चलेगा? दस बजे से बीसीए का मैच चलेगा। एसएससी जीडी की तैयारी बात चल रही है बेटा, एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। लेकिन मैं जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दूंगा, 25 जीएस जीडी के लिए बता रहा हूं, 25 क्वेश्चन के जीएस, 25 से 30 क्वेश्चन होंगे जनरल स्टडीज के या जीके, इंपॉर्टेंट सीरीज दूंगा बहुत जल्द, एक हफ्ते के अंदर। आप लोग का 10 बजे से मैच चल रहा है, बीसीए वालों का 10 बजे से मैच चल रहा है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं, तो हम जो है पिछली कक्षा में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 81 तक बता दिए थे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि सबसे अधिक अधात्विक प्राकृतिक तत्व है, सबसे अधिक अधात्विक प्राकृतिक तत्व कौन सा है, यानी कि वो तत्व आपका क्या होना चाहिए, प्राकृत में पाया जाना चाहिए और क्या होना चाहिए, अधात्विक होना चाहिए, यानी कि नेचुरल भी होना चाहिए, नेचुरल भी हो प्लस क्या हो, नॉन मेटल यानी मेटल भी ना हो, ठीक है। तो आपका इसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो प्राकृतिक भी होगा और क्या होगा, आपका नेचुरल भी होगा और नॉन मेटल भी होगा, तो वो कौन सा तत्व है, वो है आपका सल्फर। सल्फर एक ऐसा तत्व है इन ऑप्शन में से कि जो कि नेचुरल रूप से भी पाया जाता है और क्या होता है, नॉन मेटल की श्रेणी में आपका आता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
राजश्री, बिल्कुल सही उत्तर, सल्फर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83, निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय यौगिक कौन सा है? प्रश्न संख्या 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है, यानी जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो कंपाउंड है उसमें कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसमें आप ध्यान से देखिए, तो ये दिया हुआ है आपका P2O3, ये आपका P मतलब होता है फास्फोरस, और ये आपका ऑक्सीजन लगाया हुआ है, यानी ये फास्फोरस का ऑक्साइड होता है। यहाँ दिया हुआ है आपका ASO2, यहाँ ये टाइपिंग मिसप्रिंट है, यहाँ बना लीजिएगा आप लोग AS2O3, ठीक है, ये आपका आर्सेनिक का क्या है, ऑक्साइड है, और ये आपका SB2O3, ये एंटीमनी का ऑक्साइड है, और यहाँ पर Bi2O3, ये आपका बिस्मथ का ऑक्साइड है। ये चार तत्व दिए हुए हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन चारों में कह रहा है कि किसका ऑक्साइड सर्वाधिक क्या होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस का, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आयुष यादव ए बोल रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर, आयुष यादव ए बोल रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा, फास्फोरस का जो ऑक्साइड है आपका सर्वाधिक अम्लीय होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 84। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84, 84 प्रश्न कह रहा है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं क्या कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 84 कह रहा है कि जितने भी हमारे मेटल होते हैं उनको किस तरीके से, किस विधि द्वारा उनका क्या किया जाता है, चादर बनाया जाता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि मार्केट में लोहे की पतली पतली चादर आती है, देखे होंगे पतली सी ऐसी चादर होगी, ढलैया वलैया में इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां घर बनता है। टिन की आती है, टिन की चादर आती है, टिन की चादर आती है जिसको देहाती भाषा में करकट बोला जाता है, ठीक है, छतरी करकट, तो टिन का बना होता है, ये सब क्या होता है, चादर होता है, और ये चादर किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। खुशबू राव गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो धात्विक चादरें बनाई जाती हैं वो किस विधि द्वारा बनाई जाती है, उसके अंदर जो गुड़ पाया जाता है उस गुड़ का नाम क्या होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आघात वर्धता। आघात वर्धता का मतलब ये हुआ, आघात अवर्धता का मतलब ये हुआ कि किसी चीज को इतना पीटिए कि वो क्या बन जाए, बहुत ही पतला, बहुत ही आकार चपटा ले ले, उसको बोलते हैं आघात वर्धनता, और उसको वो चोट जो है वो सह जाए, वो चोट सह जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक चादर के रूप में बन जाएगा। तो धात्विक चादरें बनाई जाती है किस विधि द्वारा, आघात वर्धता विधि द्वारा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही उत्तर आपका। खुशबू राव फाइन, अच्छे हैं हम, आप लोग कैसे हैं ये बताइए, आप लोग कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है सभी की। चलिए प्रश्न संख्या 85, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 हमारा कि निम्नलिखित में से मिश्र धातु कौन सा है। प्रश्न संख्या 85 कह रहा है कि जो मिश्र धातु होता है वो इनमें से कौन सा होता है, तो अब बात आता है कि मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु क्या होता है, वे धातुएं जिनका संगठन एक से अधिक धातुओं से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाते हैं, वो सभी कहलाते हैं मिश्र धातु, ठीक है। तो इसमें आप ऑप्शन में ध्यान से देखिए, ये ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आर्सेनिक, आर्सेनिक का सिंबल होता है AS, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पीतल, पीतल को बोलते हैं कॉपर, एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल होता है SB, और टिन का होता है SN, और जो आपका ऑप्शन नंबर बी होता है इसमें होता है कॉपर प्लस जिंक,
जो आपका टीन हो पीतल होता है, पीतल का संगठन होता है कापर और जिंक का। खुशबू राव SN होता है टीन का, एंटीमनी B का होता है, आर्सेनिक होता है AS। लेकिन जो आपका पीतल है वो पीतल क्या होता है, मिश्र धातु है, इसमें आपका मिला होता है कॉपर और कॉपर के साथ मिला होता है जिंक। कॉपर की मात्रा होती है 80% और जिंक की मात्रा होती है 20%। ठीक है, इसका संगठन जो कॉम्बिनेशन होगा वो बना देगा आपका पीतल। घरों में दादी लोग कहती थी कि पीतल के बर्तन में पानी पीना चाहिए, ठीक है, तो वही वाला पीतल है जिसमें संगठन क्या होता है कॉपर की मात्रा 80% और जिंक मिला दिया जाता है 20%। चले आगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 86 कह रहा है CaHCO3 twice। क्या लिखा है CaHCO3 twice, ये आपका दिया हुआ है। कह रहा है कि का विघटन होने के कारण जल की अस्थाई कठोरता जल उबालने से दूर हो जाती है। यह इसलिए है कि CaHCO3 का ट्वाइस ऑप्शन दिया हुआ है प्रकृति में वाष्पशील है, ऑप्शन बी दिया है ऊष्मा से अपघटित होकर कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बना लेता है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है नीचे बैठ जाता है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अस्थाई पदार्थ होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? खुशबू राव बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, राजश्री बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, दोनों लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कैसे होता है ये देखिए, CaHCO3 ये बाइकार्बोनेट है आपका, क्या करता है जब इसको ऊष्मा दी जाती है, क्या दी जाती है ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब ये हुआ एनर्जी। जब इसको आप एनर्जी देते हैं तो तब क्या होता है, एनर्जी देने पर ये क्या होता है, ये टूट जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट में CaHCO3 में टूट जाता है और ये बना लेता है आपका अवक्षेप बना लेता है। क्या बना लेता है? अवक्षेप। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PPT, और PPT जो है आपका व्हाइट पाउडर की तरह तली के नीचे बैठ जाता है, उसको बोलते हैं PPT। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट या PPT। चलिए आप लोग पढ़िए, जितने लोग हैं उतने लोग पढ़िए, ये बात समझ में आ रही है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को ऊष्मा देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट में टूटता है, ये बना लेगा आपका अवक्षेप। अवक्षेप को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट, शॉर्ट फॉर्म में PPT लिखते हैं, और वो PPT दिखता कैसा है, व्हाइट पाउडर का तली में बैठा हुआ दिखेगा। जैसे आप लोग घरों में क्या करते थे कि एक कांच की ग्लास लेते, उसमें पानी डालते थे, उसमें चाक या मिट्टी घोल देते थे, तो घोलने के बाद जब कुछ समय छोड़ देते थे उसको, तो वो जो घोल है उसमें जो मिट्टी या चौक घुली हुई है वो तली के नीचे बैठ जाती थी और पानी सतह के ऊपर आ जाता था, ठीक है, तो उसमें साफ दिखता था कि नीचे कुछ व्हाइट पाउडर जैसा दिख रहा है, उसी पाउडर को हम लोग बोलते हैं अवक्षेप, जिसका इंग्लिश में नाम होता है प्रेसिपिटेट, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है PPT। इतनी बात समझ में आई आप लोग को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा से अपघटित होकर कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बना लेता है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87 कह रहा है कि नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है, क्योंकि कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप घरों में विद्युत बल्ब देखते हैं, जो 100 वाट का बल्ब देखते हैं जो पीला कलर का जलता है, उस बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, उस गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस। उस गैस का क्या नाम है? नाइट्रोजन गैस। और ये गैस क्या करता है, क्या कारण है कि इस गैस को बल्ब के अंदर भरा जाता है, यही पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है यह वायु से हल्की होती है, ऑप्शन बी इनमें बल्ब की अधिक प्रकाशित होता है, ऑप्शन नंबर सी यह ज्वलन में सहायता नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी यह जहरीली गैस नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कौन बताएगा कमेंट में? खुशबू राव कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए। और भी लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर होगा। चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होता है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यह ज्वलन में सहायता नहीं करता। कैसे? देखिए देखिए, ये आपका एक बल्ब है, सपोज दैट ये आपका क्या है, बल्ब है। ठीक है, बल्ब के अंदर क्या लगा होता है, तंतु लगा होता है, तंतु लगा होता है जिसको बोलते हैं टंगस्टन। ठीक, सपोज दैट ये आपका बल्ब है और बल्ब के अंदर यहाँ क्या लगा होता है, टंगस्टन लगा होता है, टंगस्टन। इसके अंदर जो गैस भरी जाती है, इस गैस का नाम है नाइट्रोजन, N2 गैस। ये गैस इसलिए भरी जाती है, ये गैस इसलिए भरी जाती है कि जब ये गैस ये जो बल्ब आपका जलता है, ठीक है, जब ये बल्ब आपका रोशनी करता है तो रोशनी करने के साथ इसमें कुछ ना कुछ ऊष्मा होती है। ठीक है, आप इसके बल्ब के पास हाथ लेके जाएंगे तो इसमें क्या होगा, एनर्जी, कुछ गर्म गर्म फील होगा। ठीक है, तो ये जो निकल रहा है इसमें क्या होता है, ऊष्मा होता है। यही ऊष्मा आपका कहीं आग ना पकड़ ले इसलिए इसके अंदर क्या डाल दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है। नाइट्रोजन जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, अक्रिय बना देता है, यानी कि वहां कितना भी ऊष्मा हो जाए वो रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन नहीं करेगा तो इस बल्ब में ब्लास्ट या आग नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ इसको नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजश्री, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इरशाद मलिक, गुड मॉर्निंग। इरशाद मलिक, गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये इसका कारण है कि यह ज्वलन में सहायता नहीं करता, इसलिए नाइट्रोजन को बल्ब के अंदर भर दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वक्त बहुत कम है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन करते कहिए, क्योंकि रिवीजन जो है आपका, यहां मैं लिख देता हूं, रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अगर किसी को कंपटीशन में सफलता लेना है तो जो उसने पढ़ा है उसको बार 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 रिवाइज कीजिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होगा तो आपको मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, पॉलिटेक्निक में रैंक अच्छा आएगा। ठीक है, आपका नाम होगा और आपके माँ बाप का भी नाम रोशन होगा कि आपने पॉलिटेक्निक में अच्छा रैंक लेकर आया। ठीक है, तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में जब कंफ्यूजन होगा तो गलत ऑप्शन पर टिक करेंगे, और गलत ऑप्शन पर टिक करेंगे तो क्या होगा, मेरिट में नीचे से आएंगे। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवाइज से ही आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या है हमारा 88, प्रश्न संख्या है 88, 88 नंबर कह रहा है कि KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य जो बंध बनता है वह बंध कैसा होता है। देखिए आपका दिया हुआ है KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम के ऊपर प्लस एक चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस एक चार्ज होता है। अब जब इस पर प्लस माइनस आ गया, जब इस पर प्लस माइनस आ गया तो इसका नाम पड़ जाता है आयनिक बंध। क्या नाम पड़ जाता है, आयनिक बंध। ऐसा बंध, ऐसा बॉन्ड जो आपका क्या, किससे बनता है, आयनिक से बनता है, आयंस से बनता है, ये क्या कहलाते हैं, आपका आयनिक बंध कहलाते हैं। तो इस ऑप्शन में खोजिए कहां पर आयनिक बंध लिखा हुआ है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सहसंयोजक, ऑप्शन नंबर डी सी दिया हुआ है उपसहसंयोजक, और ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है विद्युत संयोजक। जो आयनिक बंध होता है इसका दूसरा नाम भी होता है विद्युत संयोजक, विद्युत संयोजक, क्योंकि विद्युत में भी आपका क्या होता है, आयंस पाया जाता है, इसलिए जो आपका इसका नाम होता है आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि कौन सा बॉन्ड होता है इसमें, विद्युत संयोजक बंध होता है। खुशबू राव, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, केसीएल में
जो पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है या आपका विद्युत विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है। इतना बात समझ में आ रहा है? खुशबू राव, आयनिक बंध, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चले आगे, आगे की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 89, प्रश्न संख्या 89 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि रेड लेड का रासायनिक नाम क्या होता है। रेड लेड, रेड लेड का रासायनिक नाम, इसका सिंबल कौन बताएगा? रेड लेड को किस तरीके से लिखते हैं, कौन बताएगा? कमेंट कीजिए जल्दी। रेड लेड का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? यह होता है आपका रेड लेड का फॉर्मूला Pb3O4। इसको क्या बोलते हैं? रेड लेड बोलते हैं, रेड लेड, इसको बोलते हैं रेड लेड, ठीक है। और ये जो आपका रेड लेड होता है, रेड लेड, इसका आम भाषा में नाम है, इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं? सिंदूर। एक बिहार में बहुत फेमस त्योहार है जिसका नाम है छठ। छठ के दिन महिलाएं क्या करती हैं? नाक से लेकर पूरा बाल तक, ये नाक से लेकर यहां तक क्या होती है? सिंदूर लगाती हैं। इसी सिंदूर का जो केमिकल फार्मूला होता है, ये होता है Pb3O4। इसका अन्य नाम है रेड लेड, रेड लेड। इसका अन्य नाम क्या होता है? रेड लेड नाम होता है। इसका फार्मूला होता है Pb4। अब प्रश्न कह रहा है कि रेड लेड का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेड लेड का रासायनिक नाम होता है ऑप्शन नंबर डी, ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। यहां देखिए पीवी में लिखा हुआ है तीन, तीन को बोल दिया ट्राई, पीवी का मतलब होता है प्लम्बिक और टेट्रा का मतलब होता है चार और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड इसका क्या होगा? केमिकल नेम हो जाएगा। ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड इसका क्या हो जाएगा? केमिकल नेम हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इरशाद मलिक, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इरशाद मलिक, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बिहार में बहुत फेमस त्यौहार है छठ का, ठीक है, इसका स्पेशल छुट्टी भी बिहार में दिया जाता है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? छठी मैया का पूजन किया जाता है, सूर्य देवता का पूजन किया जाता है, दो दिन होता है छठ पूजा, काफी सारा उसमें फलों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 90, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मजेदार सवाल है, जिसका नाम दिया है सूत। सूत, कौन बताएगा सूत का मतलब क्या होता है? कमेंट कीजिए फटाक से, कौन बताएगा? माई नेचर, ये बताइए सूत का मतलब हिंदी में क्या होता है? हिंदी में सूत को क्या बोलते हैं? कह रहा है सूत का रंग साफ करने में विशेषता उपयोग होने वाला यौगिक कौन सा है? सूत का रंग साफ करने के लिए विशेषता उपयोग किए जाने वाला कंपाउंड यौगिक का जो है नाम पूछ दिया है और ऑप्शन दे दिया है साबुत, क्लोरीन, विरंजक चूर्ण, सोडियम। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत सही खुशबू राव, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। सूत को बोला जाता है कपड़ा, हिंदी में बोला जाता है सूत और आम बोल भाषा में बोला जाता है कपड़ा, ठीक है। सूत बिल्कुल प्योर हिंदी होती है और कपड़ा जो है लोकल लैंग्वेज होता है, चाहे इसको कपड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। तो सूत यानी कपड़े का जो रंग है उसको बिल्कुल क्लीन करने के लिए, बिल्कुल साफ करने के लिए आपका किसका इस्तेमाल किया जाता है? विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है।
बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खुशबू राव बिल्कुल सही उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 91, प्रश्न संख्या 91। साहिल मलिक गुड मॉर्निंग, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 90 प्रश्न तक कंप्लीट हो गया है। इसके पहले जिन्होंने भी क्लास नहीं किया है वो लोग चले जाए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में पूरा सीरीज बाय सीरीज आपको जो है क्लास की जो सीरीज दी हुई है एक क्रम से दी हुई है, वहाँ नंबरिंग भी पड़ी हुई है, उस क्रम को फॉलो करते जाइए और रिवाइज करते चले जाइए, आपका 4 दिन बचा हुआ एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91, एक आदर्श ईंधन की क्या विशेषता होती है? प्रश्न पूछ दिया है कि एक आदर्श ईंधन की क्या विशेषता होती है। खुशबू राव बिल्कुल सही उत्तर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर माई नेचर। आपका नाम क्या है, नाम लिखा कीजिए आप लोग। एक आदर्श ईंधन की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन दिया हुआ है निम्न कैलोरी मान, ऑप्शन बी दिया हुआ है उच्च कैलोरी मान, ऑप्शन सी उच्च ज्वलन ताप, ऑप्शन डी पर्याप्त बचे अवशेष। तो आदर्श ईंधन, आदर्श ईंधन, ईंधन में आपका क्या क्या आता है? वैसे पदार्थ जो जलने के बाद ऊष्मा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। ईंधन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है? पेट्रोल का होता है। इसके बाद आता है आपका डीजल का, इसके बाद आता है आपका कोयला का, सूरज भी आपका क्या है? ईंधन है। सूर्य, सूर्य से जो रोशनी मिलता है उससे क्या होता है? पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो भी क्या होता है? एक प्रकार का ईंधन ही है, ठीक है। लेकिन ये कैसा ईंधन है? प्राकृतिक ईंधन है, ऊपर वाले का ईंधन है जो कभी खत्म नहीं होता है। इसके बाद आता है आपका लकड़ी, लकड़ी भी आपका क्या है? ईंधन है। और भी सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक मोटा मोटा ये समझिए कि ईंधन वे पदार्थ होते हैं जिनका, जिनको जलाने पर या जिनको हम दहन करते हैं या जिनको इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? वो एनर्जी देते हैं, ऊष्मा देते हैं, ऊर्जा देते हैं। अब बात आता है आदर्श ईंधन, तो सबसे पहले इसके आगे लगा हुआ है आदर्श। आदर्श का मतलब होता है, आदर्श का मतलब ये होता है सबसे अच्छा, सबसे गुड क्वालिटी का। आदर्श का एक बात कहें, गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी। तो आप ऑप्शन देख के बताइए कि गुड क्वालिटी के लिए अगर सोचा जाए तो सबसे अच्छा क्या होगा? जिसका कैलोरी मान ज्यादा होगा, जिसका कैलोरी मान ज्यादा होगा वो गुड क्वालिटी का हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका मान उच्च कैलोरी का होगा वो आदर्श ईंधन कहलाएगा। खुशबू राव ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आदर्श ईंधन वैसे ईंधन होते हैं जिनमें कैलोरी मान हाई होता है, यानी कि उनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होगी। इरशाद मलिक बी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 92, 92 नंबर का प्रश्न। प्रश्न संख्या 92 कह रहा है सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण क्या होता है? सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण क्या होता है? प्रश्न संख्या 92, 92, सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण क्या होता है? सजातीय श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिनमें यौगिकों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, सजा कर रखा जाता है, उसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी, ठीक है। तो सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है यौगिकों के भौतिक गुण समान होना, यौगिकों के रासायनिक गुण समान होना, यौगिकों के विशिष्ट बनाने की विधियां का समान होना, या ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है राज कुणाल
इंग्लिश मीडियम में भी आपको जहां जहां जरूरत होगा उसको बता देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, यौगिकों का अभिक्रियात्मक समूह का होना, यौगिकों का अभिक्रियात्मक समूह का होना। यौगिकों का अभिक्रियात्मक समूह का होना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खुशबू राव बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि यौगिकों का जो अभिक्रियात्मक समूह है उसका क्या होता है, समान होगा, तब जाकर ये बनेगा आपका क्या, सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी कैसे बनेगा, यौगिकों का जो अभिक्रियात्मक समूह है वो समान हो जाएगा तो बन जाएगा सजातीय श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 93। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये, नामकरण से आईयूपीएसी नामकरण से प्रश्न संख्या 93 कह रहा है CH3CHO का रासायनिक का जो आईयूपीएसी नाम क्या होगा, होमोलॉगस सीरीज। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। देखिए आप लोग बताइए कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने बता चुका है कि मैंने बताया है कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले जो बताएगा उसका नाम मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूंगा। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म सबसे पहले जो बताएगा उसका नाम यहाँ पर बोर्ड पर लिखूंगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होगा। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म कौन बताएगा, जल्दी बताइए आप लोग। पहले वाले क्लास में मैंने बताया है कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए देखिए आई से बनता है आपका इंटरनेशनल, आई से क्या बनता है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। यू से बनता है आपका यूनियन, यू से बनता है आपका यूनियन, यू से बनता है यूनियन। पी से बनता है प्योर, ए से बनता है अप्लाइड, और सी से बनता है आपका केमिस्ट्री। सी से क्या बनता है आपका, केमिस्ट्री बनता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो क्या करती है, क्या करती है आईयूपीएसी, जो रसायन विज्ञान में जितने भी आपके कंपाउंड मिलते हैं ऑर्गेनिक में, इनका क्या करती है, नामकरण करती है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है आईयूपीएसी। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इरशाद मलिक ऑप्शन नंबर सी, खुशबू राव एथेनल। ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ ऑल लिख दिया है, ये गलत है, यहाँ होता है एथेनल, AL, एथेनल, एथेनल। तो चलिए इसका नामकरण देखते हैं कैसे होगा, CH3CHO। तो ये हमारा कंपाउंड है CH3CHO, इसको हम लोग ओपन करते हैं, ओपन करते हैं तो किस तरह लिखेंगे, CH3 को बोलते हैं मेथिल ग्रुप, इससे क्या अटैच होगा, कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन अटैच होगा, और सिंगल बॉन्ड लगा के आपका हाइड्रोजन अटैच होगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपका लगा हुआ है CHO ग्रुप, CHO ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। CHO ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, सिंगल बॉन्ड CHO, ये होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और एल्डिहाइड ग्रुप का जब भी आप नामकरण करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप का नामकरण करेंगे तो क्या लगेगा, अल लग जाएगा, AL, हिंदी में अल, अल हिंदी में क्या लग जाएगा, अल। तो ये देखिए मेथ लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ, मेथ सबसे पहले क्या हो जाएगा, मेथ, और अल ग्रुप तो मेथेनल, तो मेथेनल इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। खुशबू राव पूछ रहे हैं दो कार्बन होगा तब क्या हो जाएगा,
ठीक है, सॉरी यहाँ पर दो कार्बन है, कार्बन संख्या एक कार्बन संख्या दो, तो मेथ एथ एथेनल। कार्बन की संख्या आप बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ग्रुप अटैच है इसको बोलते हैं अल, ए एल, ठीक है अल मेथेनल। तीन कार्बन के लिए एथ हो जाएगा, चार के लिए कितना होता है प्रोप, पांच के लिए ब्यूट पेंट, चार के लिए ब्यूट पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स। ये बात समझ में आया आपका, सी एच थ्री सी एच ओ का आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा एथेनल, एल्डिहाइड ग्रुप लगाया तो क्या लगाएंगे लास्ट में अल ग्रुप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 94, प्रश्न संख्या 94, प्रश्न संख्या 94 कह रहा है 94, पॉलिथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होती है, पॉलिथीन बनाने के लिए आपका क्या इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिथीन बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, एमिलीन नहीं होगा, ये होगा एथिलीन, यहाँ क्या होगा एथिलीन, ऑप्शन नंबर ए होगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मेथेन, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है एथेन। तो प्लास्टिक किसका घटक होता है, प्लास्टिक किससे मिलकर बना होता है, वो मिलकर बना होता है आपका एथिलीन से, प्लास्टिक किससे बना होता है एथिलीन का बहुलक होता है, प्लास्टिक एक बहुलक है, रबड़ भी आपका एक बहुलक है, टायर भी आपका बहुलक है। बहुलक में क्या होता है कार्बन कार्बन की जो चैन होती है काफी लंबी हो जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है, वो बन जाता है आपका बहुलक, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, ऐसे क्या बन जाएगा आपका एक बहुलक की सीरीज बनेगा, पॉलीमर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ये क्या कहलाता है प्लास्टिक कहलाता है, प्लास्टिक इसका संगठन होता है एथिलीन का संगठन होता है प्लास्टिक। तो इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, प्रश्न संख्या 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथिलीन। खुशबू राव आपका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 95, प्रश्न संख्या 95 कह रहा है, प्रश्न संख्या 95 है, सोडियम निष्कर्ष से नाइट्रोजन के परीक्षण में नीला होता है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका फेरिक थायोसाइनेट, पर्शियन नीला, फेरोफेरिक साइनेट, फेरोफेरिक साइनाइड, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सोडियम थायो नाइट्रोपुसाइड। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी पर्शियन ब्लू, पर्शियन नीला होता है, सोडियम निष्कर्ष से जो नाइट्रोजन के परीक्षण में जो नीला रंग होता है वो होता है आपका पर्शियन नीला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालू ओझा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है आपका, खुशबू राव आपका भी बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 96, प्रश्न संख्या 96 कह रहा है कि खनिज से प्राप्त एक औषधि क्या है, प्रश्न संख्या 96 कह रहा है जो हमारा खनिज होता है उससे एक प्राप्त औषध होता है उसका नाम क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है काकोलीन, इंसुलिन, मॉर्फिन, और क्या होता है एट्रोपीन। देखिए सबसे पहले समझिए इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है ये एक हार्मोन है ना कि औषधि है, हार्मोन, इंसुलिन क्या होता है हार्मोन होता है, मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन आपका एक क्या होता है ड्रग होता है, ड्रग नशीला पदार्थ होता है मॉर्फिन, और एटोट्रोपिन भी आपका एक कंपाउंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काकोलीन, काकोलीन क्या होता है, काकोलीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो शरीर के अंदर खनिज लवण की आपूर्ति पूरी करता है, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर जितने भी हमारे खनिज मटेरियल है खनिज की जो है आपूर्ति को क्या करता है
ये पूरा करता है काकोलिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, काकोलिन। इतनी बात समझ में आ रही है। इंसुलिन क्या होता है? हार्मोन होता है। मॉर्फिन क्या होता है? ड्रग होता है। मॉर्फिन आपका नशीले पदार्थ में पाया जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 96 का ऑप्शन नंबर ए। क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सालू हो जा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 कह रहा है, हजामत बनाने वाले साबुन से उत्पन्न झाग को सुखाने के लिए निम्न पदार्थ को प्रयुक्त किया जाता है। जो आप नाई की दुकान पर जब भी जाएंगे तो वहां जो हजामत बनाने के लिए रखा होता है, 97 का बी, जो हजामत की दुकान पर आप जाएंगे तो साबुन से उत्पन्न जो झाग होता है उसको सुखाने के लिए जो पदार्थ रखा होता है उस पदार्थ का क्या नाम होता है? कौन बताएगा? कमेंट करके जल्दी से बताइए उस पदार्थ का क्या नाम होगा। खुशबू राव बताइए, सालू ओझा बताइए। चलिए 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नाव के दुकान पर झाग को सुखाने के लिए रखा जाता है उसका नाम होता है ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी सही है। खुशबू राव ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्लिसरॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 कह रहा है कि पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। क्या बचाता है? जो लोग खेती करते होंगे वो लोग इसका इस्तेमाल किए होंगे, ठीक है। पौधों को कीटाणुओं से कौन बचाता है? ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरीन, ऑप्शन बी दिया हुआ है डीडीटी, ऑप्शन सी दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन डी दिया हुआ है ईथर। तो इसका राइट आंसर कौन क्या होगा, कौन बताएगा? चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन क्या करता है? ये एक तरीके का क्या होता है, लिक्विड जैसा होता है। इसको क्या करते हैं? क्लोरीन वास्तव में गैस होता है लेकिन इसको क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। और जब भी आप किसी पौधे के ऊपर क्लोरीन छिड़काव कर देंगे, पौधे के ऊपर आप क्लोरीन डाल दिए तो उसका हरा रंग कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, यानी कि उसका रंग ही उड़ जाएगा। तो क्लोरीन को अगर आप पौधे पर डाल देते हैं तो उसका क्या होता है, रंग उड़ जाता है। दूसरा आता है आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या करता है, जब किसी को आप मूवी में देखे होंगे कि एक गुंडे की जैसी गाड़ी आती है, स्लाइड करते हैं, शटर हटाते हैं और एक रुमाल नाक पे रखते हैं और उसको अंदर लेके चले जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां जो इस्तेमाल किया जाता है केमिकल, उस केमिकल का नाम होता है क्लोरोफॉर्म। निश्चेतक इसको बोलते हैं। किसी को सुंघा दीजिए क्लोरोफॉर्म, काम खत्म 2-4 घंटे का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है आपका, निश्चेतक होता है, बेहोश कर देगा आपको। अब बचा आपका एक ईथर। ईथर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल अलग अलग रूप में किया जाता है। अब बच गया आपका लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी डीडीटी। डीडीटी जो है आपका एक कीटनाशक पदार्थ होता है जिसको हम लोग खेतों में यूज करते हैं कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ये आपका डीडीटी का फुल फॉर्म होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और डीडीटी का फुल फॉर्म आपका इसके पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है एक बार,
डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसका इस्तेमाल किया जाता है कीटनाशक के तौर पर। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और चैनल है आपका जिसका नाम है यूनिटेक गुरु, स्पेलिंग देखिए, यूनिटेक गुरु। इस चैनल पर आपको ऑल इंडिया पॉलिटेक्निक की पूरी कंप्लीट सीरीज मिलेगी, ठीक है। चाहे कोई सा भी पॉलिटेक्निक हो, इस चैनल पर चले जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। अच्छी अच्छी वीडियो इस पर आएंगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 99 नंबर का प्रश्न है हमारा, नौसादर और नमक को पृथक करने के लिए क्या यूज किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न है, नौसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है किस विधि द्वारा, क्रिस्टलन विधि द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किस विधि द्वारा हम नौसादर और नमक को अलग करते हैं। नौसादर का फार्मूला होता है NH4Cl, NH4Cl को हम लोग बोलते हैं नौसादर, और सोडियम क्लोराइड नमक का फार्मूला होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड किसका फार्मूला होता है, नमक का। अगर ये दोनों मिक्स है तो इसको किस विधि द्वारा अलग अलग किया जा सकता है, उस विधि का नाम है ऊर्ध्वपातन विधि, ऑप्शन नंबर सी। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि। इस विधि में क्या होता है, जो आपका ठोस होता है, ठोस मटेरियल क्या होता है, इसको जब गर्म किया जाता है तो ये डायरेक्ट लिक्विड में ना बदलकर सीधे किस में परिवर्तित हो जाती है, गैस फॉर्म में, सीधे आपका गैस फॉर्म में बदल जाएगी। तो इस विधि को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन विधि, और इस विधि से आपका नौसादर और नमक के घोल को अलग अलग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा इसको अलग अलग किया जाता है। तो इतनी बात समझ में आई आप लोग को? ये सीरीज कंप्लीट होने वाला है और इसमें एक प्रश्न रह गया है, 100 नंबर का प्रश्न है, जिसको मैंने कई बार कराया है। ये प्रश्न जो आपका है यौगिक का सूत्र निकालने वाला है, इसको मैंने आप लोग को कई बार बताया है, और ये प्रश्न रहेगा आप लोग का होमवर्क। जब अगली क्लास होगी, कल के क्लास में, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। प्रश्न संख्या 100, इसको कई बार कराया जा चुका है, बिल्कुल सेम है। प्रश्न संख्या 100 देखिए, इसमें क्या कर रहा है, एक कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन की मात्रा दी हुई है, कार्बन की मात्रा दी हुई है, और बोल रहा है शेष ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कैसे निकालेंगे, 100% में से, 100% में से आप क्या कीजिएगा, पहले कार्बन की मात्रा घटाइएगा, ठीक, उसके बाद घटा दीजिएगा हाइड्रोजन की मात्रा 6.67, और ये जो आपका निकल के आएगा टोटल, ये जो बचेगा आपका ऑक्सीजन का मात्रा होगा, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था एक टेबल बनाइएगा, उस टेबल में तत्वों का नाम लिखिएगा, परमाणु भार लिखिएगा, एन की संख्या निकालिएगा और सरल अनुपात निकाल लीजिएगा, और उस अनुपात का ले आकर इसमें गुणा कर दीजिएगा, वही उसका क्या निकल जाएगा, यौगिक का सूत्र निकल आएगा। तो ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग करके आप लोग कल बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट होता है। कल के क्लास में आपको नए क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा, और 25 तारीख को आप लोग का पेपर है, तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए, बार बार इसको पढ़िए और बार बार वीडियो रिवाइज कर लीजिए। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ सभी वीडियो क्रम से लगा हुआ है, और सबको आप लोग रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि 25 को जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो जिसका रिविजन नहीं होगा उसको होगा कन्फ्यूजन, और उसके बाद होगा गलत आंसर टिक, और जब गलत टिक करेंगे तो आपकी रैंक जाएगी नीचे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ वीडियो का सीरीज बाय सीरीज एक क्रम से लगाया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, फिर जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसी के साथ
तो इसी के साथ ये आज का वीडियो सेशन केमिस्ट्री का यही समाप्त होता है। इसके बाद चलेगा आप लोग का मैथमेटिक्स, आप लोग लाइव बने रहिएगा, मात्र 5 मिनट बाद मैथमेटिक्स चलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए सब लोग अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे, ठीक है, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद।